क्या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? क्या आप इंस्टाग्राम पे जल्दी से ग्रो करना चाहते हो? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉलोअर। तो जल्दी से फॉलोअर गेन करने के लिए आप क्या करते हो? क्या आप जेन्युइन तरीके से फॉलोअर गेन करते हो, या फिर आप थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी वेबसाइट से फॉलोअर गेन करते हो? यदि आप थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी वेबसाइट से फॉलोअर गेन करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बचाने के लिए आज से ही थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी वेबसाइट से नकली फॉलोअर खरीदना बंद कर दो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आए बच्चे हो गए, मैं राहुल और आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आपको थर्ड पार्टी ऐप से इंस्टाग्राम फॉलोअर खरीदना चाहिए या नहीं। यदि खरीदना चाहिए तो उसका एडवांटेज भी आपको बताऊंगा, उसका डिसएडवांटेज भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करना मत भूलना लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा फॉलोअर होने का कुछ फ़ायदा। तो ज़्यादा फॉलोअर मतलब ज़्यादा इंगेजमेंट। तो ज़्यादा इंगेजमेंट मतलब ज़्यादा लाइक, ज़्यादा शेयर, ज़्यादा कमेंट। इससे होगा कि आपके अकाउंट पे ज़्यादा रीच मिलेगा, और आपके अकाउंट पे ज़्यादा रीच मिला तो आपको नया नया स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा। तो ये था फ़ायदा ज़्यादा फॉलोअर्स होने का जो आप ऑर्गेनिकली गेन करते हो। तो कैसे आप ऑर्गेनिकली बहुत सारे फॉलोअर गेन कर सकते हो, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप बहुत सारे फॉलोअर गेन कर सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पे या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा नकली फॉलोअर क्या होती है। तो आप जो फॉलोअर इनऑर्गेनिकली गेन करते हो, मतलब थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो फॉलोअर आप खरीदते हो उसको कहते हैं नकली फॉलोअर या बॉट फॉलोअर। तो इसको बॉट फॉलोअर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, ये आपकी जैसा मेरे जैसा कोई इंसान नहीं है। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार किया गया नकली फॉलोअर से, जो कंप्यूटर के थ्रू चलता है, जो पबजी या फिर में जो बॉट होता है ना, ठीक उसके जैसा। वो आपकी पोस्ट पे ना करेगा लाइक, ना करेगा शेयर, ना करेगा कमेंट, किसी भी काम का नहीं है, मतलब फुल पैसा बर्बाद। तो अब मैं आपको बताऊंगा नकली फॉलोअर खरीदने का कुछ एडवांटेज। उसका सिर्फ दो ही एडवांटेज है। तो पहला है जस्ट इंक्रीज योर फॉलोअर नंबर। आपको जो फॉलोअर नंबर है वो सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा, सिर्फ नंबर में बढ़ेगा, बाकी वो किसी काम का नहीं होगा। तो ये था पहला एडवांटेज। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा एडवांटेज। तो दूसरा एडवांटेज है आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा के उससे इंप्रेशन जमा सकते हो। देख मेरे पास कितना फॉलोअर है, तेरे पास है क्या? बल्कि ये फॉलोअर्स किसी काम का भी नहीं है। तो ये था दो एडवांटेज। अब मैं आपको बताऊंगा नकली फॉलोअर खरीदने का कुछ डिसएडवांटेज। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, तो इस वीडियो में सारी बातें लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब मैं आपको बताऊँगा पहला डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज है मे बी फ्रॉड, मतलब आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यदि आप पहली बार कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी कंपनी से नकली फॉलोअर खरीदने जाते हो तो क्या आपको पता है वो कंपनी या ऐप जेन्युइन है कि नहीं? आप तो उसको पैसा दे देते हो, इसका क्या गारंटी है आपको फॉलोअर देगा? यदि आपको फॉलोअर से खरीदना है तो आप उस थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, उसके बाद फॉलोअर्स को खरीदो। तो ये था पहला डिसएडवांटेज। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा डिसएडवांटेज। तो दूसरा डिसएडवांटेज है अकाउंट कैन बी हैक, मतलब आप जब पहली बार कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी कंपनी से नकली फॉलोअर खरीदना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो इंस्टाग्राम जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको देना पड़ता है, इससे आपका अकाउंट का हैक हो जाने का खतरा रहता है। क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा आप कहाँ से नकली फॉलोअर खरीद रहे हो, वो हैकर का भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी कंपनी से नकली फॉलोअर खरीदने जाते हो तो उससे पहले उस थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके उसके बाद फॉलोअर को खरीदो। तो ये था दूसरा डिसएडवांटेज। अब मैं आपको बताऊँगा तीसरे डिसएडवांटेज। तो तीसरे डिसएडवांटेज है नो लाइक, नो कॉमेंट, नो शेयर, मतलब आप जब कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी कंपनी से नकली फॉलोअर खरीदते हो तो वो फॉलोअर आपकी पोस्ट पे ना करेगा लाइक, ना करेगा कमेंट, ना करेगा शेयर, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, और कुछ दिन के बाद वो आपको अनफॉलो भी कर लेगा। और आपके अकाउंट पे पहले जितना फॉलोअर था ठीक उतना जैसा फॉलोअर ही आपके अकाउंट पहले रह जाएगा। तो ये था तीसरा डिसएडवांटेज। अब मैं आपको बताऊँगा चौथा डिसएडवांटेज। जो चौथा डिसएडवांटेज है नो स्पॉन्सरशिप, मतलब आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। आप लोगों के माइंड में एक गलत कॉन्सेप्ट है, आप लोग सोचते हो ज़्यादा फॉलोअर्स मतलब ज़्यादा स्पॉन्सरशिप, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत है।
कोई भी कंपनी आपका फॉलोअर सीख के आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देता है, बल्कि आपके अकाउंट पे कितने एंगेजमेंट है, कितना ऑडियंस रिटेंशन है, ये देख के आपको स्पॉन्सरशिप देता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। समझ लो आपके पास एक अकाउंट है जहाँ पे 100 फॉलोअर्स है। उस अकाउंट पे आपने पोस्ट किया और वहाँ से लाइक आया 50 लाइक्स। और आपके पास एक दूसरा अकाउंट है जहाँ पे 1000 नकली फॉलोअर्स है। उस अकाउंट पे आपने एक पोस्ट किया और वहाँ से लाइक आया 50 लाइक्स। तो आप बताओ कौन से अकाउंट को स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए? तो उसका आंसर होगा पहले वाले को, क्योंकि पहले वाले में ऑडियंस रिटेंशन है 50% एंड दूसरे में ऑडियंस रिटेंशन है 5%। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ये था चौथा डिसएडवांटेज। अब मैं आपको बताऊंगा पांचवा डिसएडवांटेज। तो पांचवा डिसएडवांटेज है अकाउंट कैन बी बैन। जब कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी कंपनी से आप नकली फॉलोअर खरीदते हो तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है। तो इंस्टाग्राम के रूल्स के बाहर है, तो इसलिए इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को बैन भी कर सकता है। तो ये था नकली फॉलोअर्स खरीदने का कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, बाय बाय।